कृष्ण गी। कहाँ गई थी तुम? वो मैं टहलने गई थी। अच्छा, ये वक्त टहलने का? इस टाइम तो तुम और सकीना नाश्ता नहीं बना रहे होते। जी, दरअसल इनेक्सी में दिल घबरा रहा था तो सोचा थोड़ी ताज़ा हवा खा लूँ। अच्छा, यहाँ तो जैसे ताज़ा हवा आती नहीं है ना, उसके लिए बहाने बनाकर घर से बाहर जाना बहुत ज़रूरी होता है ना? सॉरी। जाओ जाकर नाश्ता बनाओ। हवा खा ली। देखा अम्मा जान, बैठी कैसे डिजाइन देख रही हैं। तौबा है, ये तुम लोग क्यों मॉडल्स के कपड़े देखती रहती हो हर वक्त? कोई और काम नहीं है तुम लोगों को? उनकी मंगनी हो रही है अम्मा जान, इसीलिए डिजाइन देख रही हैं। तो जुहेर राजी हो गया? कैसे नहीं होगा, मैंने तो उससे कह दिया कि उसकी शादी होगी तो बस नताशा के साथ। रसिया बच्चों के साथ जिद नहीं करते, जबरदस्ती के रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ रसिया, आजकल तो लड़कियों से कोई जिद नहीं लगाता, ना कि लड़कों से। आप तो खाम खा के ना वहम पाल रही हैं अम्मा जान। मैं जुहेर से बात कर चुकी हूँ और उसे मैंने कह दिया है, और मुझे उम्मीद है मेरा बच्चा मेरी बात कभी नहीं टालेगा। ताबा, एक बार फिर सोच लो, तुम्हारी एक हाँ हमें फिर से एक कर देगी और तुम्हारी ना हमेशा के लिए अलग। मेरी तरफ से पहले भी ना थी और अब भी ना है। ठीक है, नताशा से शादी करने के लिए तैयार। क्या? देखा आपने? देखा, मैं कह रही थी ना आपसे कि वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। अल्लाह का शुक्र है। क्या सुन रहा हूं मैं? क्या हुआ? मुझे मीना से मिलने के लिए किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है।
मैं कोई कुर्बानी नहीं दे रहा। तो फिर ये क्या है यार? यार तुम जानते तो अम्मी कितनी बजट थी, मान ही नहीं रही फिर मैं क्या करता। और तुमने इतनी आसानी से गिवअप कर ली। तुमने तो मुझे कहा था कि साई के पीछे नहीं भागना चाहिए, अब जब रुक गया हूं तो तुम्हें शिकायत हो रही है। मैंने रुकने को कहा था, खुदकुशी करने को नहीं कहा था। बड़े अच्छे ख्याल आते तुम्हारे तुम्हारी साली के बारे में। तुम नताशा से मंगनी नहीं करोगे, बस मैंने कह दिया। अजीब आदमी हो यार, खुद तो शादी कर रहे हो, हमें मंगनी करने से भी रोक रहे हो। नताशा से मंगनी करने से बेहतर है कि तुम उसके लिए इंतजार कर लो। उसी का हुक्म है कि मैं उसके पीछे भागना बंद कर दूं और नताशा से शादी करूं, तो वही करें। खाला में वैसे हम शॉपिंग पर कब जाएंगे? मेरा ख्याल है कि तुम लोग कल ही चले जाओ इस्लामाबाद। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, नताशा सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन ये बताइए हमें लेकर कौन जाएगा शॉपिंग पर? जुहेर और शहरयार लेकर जाएंगे, और कौन लेकर जाएगा? सॉरी मैं तो बिल्कुल नहीं लेकर जाऊँगा, शहरी से क्या बोले जाएगा। अरे ये तुम्हें किस बात की बेजारी है? बाजी मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है ये अभी भी नताशा को किसी खातिर में नहीं लाता, तो आप कहती ही क्यों? ना मैं, तुम फिक्र मत करो, इसकी शादी होगी ना नताशा के साथ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कल बच्चियों को इस्लामाबाद तुम और शहरयार लेकर जा रहे हो, समझे ना? ताबा तुम भी कल मीना और नताशा के साथ चली जाना। अम्मा ये भला वहां जाकर क्या करेगी? अरे अपने लिए कुछ कपड़े खरीदेंगे, चंद ही कपड़े तो हैं उसके पास, वही पहने रहती है, मंगनी में क्या पहनेगी? नहीं दादो, मेरे पास कपड़े हैं। वैसे भी अम्मा ये पहन लेगी नताशा या मीना के कपड़े, बहुत सारे पड़े हुए। नायमा ये अब घर की बच्ची है, किसी की उतरन नहीं पहनेगी। और मीना इसके कपड़ों के पैसे मैं दूंगी, उसको अच्छे अच्छे कपड़े दिला दूंगी। जी दादो आप फिक्र मत करें, मैं दिला दूंगी। अच्छा चाय पकड़ो। तुम कॉफी पिए बगैर क्यों आ गए? मेरा दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा तो तुम्हें किसी और के हाथ की कॉफी पसंद नहीं, मैं कॉफी बनाकर ला दूं? तुम्हें मेरे हाथ की कॉफी पसंद है ना? मुझे कॉफी पसंद ही नहीं है। सुहेर तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते? क्या तुम शादी के बाद भी ऐसा ही सलूक करोगे मेरे साथ? ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। अगर राजी हो ही गए हो तो खुशी खुशी राजी हो। नताशा मैंने सिर्फ मंगनी करने का वादा किया, खुश रहने का नहीं। तुम मेरी जिंदगी में आ जाओगे तो मैं खुश रहना भी सिखा दूंगी। असल बातों पे बहस बेकार होती है। अच्छा ठीक है, हम किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। मुझे इस वक्त बहुत नींद आ रही है, अगर थोड़ी देर भी और जागा ना तो पूरी रात जागना पड़ेगा। गुड नाइट। इतना इग्नोर क्यों करती हो मुझे? पसंद करता हूं तुम्हें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या बदतमीजी, हटो यहां से। हाँ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा,
तब तक जब तक कि तुम मुझे खुद परमिशन नहीं दे देती कि मैं अपने और तुम्हारे बारे में बेगम साहिबा से बात करूं। छोड़ो। देखो मैं तुम्हारे जॉब की नेचर को अच्छी तरह से समझता हूँ। तुम जरूर घर पे आओ, हिसाब दो, चाय पियो, यहाँ से बाहर जाओ। एनेक्सी की तरफ जाना तो दूर देखना भी तुम्हारे लिए मना है, समझे? I'm sorry जुहैर साहब, मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ लेकिन ये बात नहीं। मैं नेक्सी जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। अरे जुहैर भाई बताए तो सर। अरे बता रहा हूँ बता रहा हूँ, मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। सुनो ये कुछ पैसे रखो, लेकिन तुम्हें इन पैसों से ताबा के लिए शॉपिंग करनी है। दादू ने पैसे दिए तो हैं मुझे, मुझे पता है दादू ने पैसे दिए लेकिन वो इतने नहीं होंगे, उससे तुम्हें अपनी चीज़ें भी लेनी है और घर का सामान भी लेना है। देखो ताबा हमारे घर में रहती है, उसका ख्याल करना, उसकी ज़रूरियात पूरी करना हमारा फ़र्ज है, इसे उसके लिए शॉपिंग कर लेना। लेकिन सुनो ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए, शहरी को मत बताना, और अगर ताबा को बताओगी तो उसको बुरा लगेगा। ठीक है। थैंक्स। अब उस मोहतरमा का इंतजार करेंगे, पता नहीं क्यों दादी ने पीछे लगा दिया उसे हमारे। नताशा आ रही है वो, वैसे भी हमने उस बिचारी पर कितनी सारी जिम्मेदारियां डाल दी हैं, चेंज ही तो करने गई है। 5 मिनट से कुछ नहीं हो जाता, क्या जल्दी है तुम्हें? अच्छा बस भी करो, सब मिलकर पीछे पड़ जाते, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? देखो वो आ गई। खैर तो है? रुको मीना, पहले तुम बैठो। ताबा अच्छा लग रहा है ना ड्रेस, मंगनी के दिन यही पहनना। तुम देख लो मीना खुद। ताबा अगर तुम्हें वाकई पसंद है तो ले लो। जुहैर देखो ये कैसा है, जुहैर कैसा है ये? अच्छा है। ठीक से देखा भी नहीं और कह दिया अच्छा है। इसने कभी ऐसे कपड़े देखे हैं जो तुम इससे पूछ रही हो? तुम फिर से बीच में बोल रही हो, जाके अपना सूट पसंद करो, ताबा के लिए मैं और मीना खुद ही पसंद कर लेंगे। तुम्हें बड़ी फिक्र है इसकी? ऑफ कोर्स क्यों ना हो, भाइयों को बहनों की फिक्र होती है। हाँ, भाई सदा के बेवकूफ रहना तुम। मीना प्लीज चलो। अरे ताबा पागल हो गई है, अभी तो कुछ लिया भी नहीं है हमने, कुछ ले लेते तो। हाँ लेकिन प्लीज। हे गाइस वेट, मेरे ख्याल से पहले कुछ खा लेते हैं फिर शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं। चलो शेरी आ जा।
था पर तुमने कुछ खाया ही नहीं। सही से खा ना। ठीक से तो खाया, शायद तुमने देखा नहीं। हर वक्त उसकी दादी क्यों बनी रहती? मीना ठीक तो कह रही है, देखो उसकी प्लेट, इसे खाना कहते हैं। चलो ये भी शुरू होगा। हम यहाँ खाना खाने आए, खाना सुनने नहीं। दाबा प्लीज तुम ठीक से खाओ, अगर कुछ और ऑर्डर करना है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप फिक्र ना करें, मैं खा चुकी हूँ। सोच लो, ये दोनों लड़कियां जो है ना सारा दिन शॉपिंग करती रहेंगी, ऐसा ना हो आप होश होके गिर जाए। दाबा ये भी खाओ, पूरा खत्म करना है तुम्हें इसे। ये तो बहुत सारा है। मीना मुझे आइसक्रीम खाने जाना है, चलो। मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? चलो भी। शहरयार तुम भी हमारे साथ चलो। मैं क्या करूंगा? चलो ना। लेट्स गो। कुदरत बार बार हमें बात करने का मौका दे, लेकिन अब बात करने का कोई फायदा नहीं। फायदा है सुहेर, तुम शायद भूल रहे हो, नताशा तुम्हारी मंगेतर है और तुम उसी के लिए यहाँ शॉपिंग करने आए हो। ताबा मैंने तुम्हारी नाराजगी में सिर्फ हाँ की। जब हाँ करती है तो उससे निभाओगे? हाँ करके निभाना कहाँ का उसे। टॉन्ट कर रहे हो मुझे? मैं टॉन्ट नहीं मार रहा, तुम्हें सिर्फ इस बात का एहसास दिला रहा हूँ कि एक दफा तुम्हारी हाँ ने भी मुझे कितनी खुशी दी। अब तुम मुसलसल ना करी और जानती हो मुझे कितनी तकलीफ होती। सुहेर प्लीज मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी अपने घर वालों की मर्जी से गुजारो। ताबा मैं घर वालों को अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, अगर कोई मेरे काबिल है ना तो वो सिर्फ तुम। लेकिन तुम ठीक कह रही हो, मैं भी किसी का मंगेतर हूं और मुझे जाना चाहिए। अरे मुझे तो दिखाओ ताबा ने क्या शॉपिंग की है। ताबा ने क्या करना था, इसे तो कोई दिलचस्पी ही नहीं थी शॉपिंग की, मैंने ही चंचल जबरदस्ती दिलवा दिया। इतने सारे? इतने तो मैंने पैसे भी नहीं दिए थे। एक्चुअली दादू एक शॉप पर सेल लगी हुई थी 50% ऑफ, इसलिए। ये कपड़े सेल के तो नहीं लग रहे? नहीं अम्मी ये सेल के कपड़े हैं, एक शॉप पर लगी हुई थी वहीं से लिया। आप जल्दी से खाना लगवा दें, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर बातें मुकम्मल हो गई हो तो जाके सकीना की मदद कर दो, वो सुबह से अकेली लगी हुई। मैं खाना लगवाती हूँ। अभी थक कर आई है बच्ची और तुमने उसको काम पे लगा दिया। जाहिरी बात है अम्मा, ये जिम्मेदारी उसकी है तो उसी को बोलूंगी ना कि खाना लगाओ, और आपको उसकी इतनी तरफदारी करने की कोई खास जरूरत है? अम्मी मजे तो सभी कर रहे थे ना, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे घर में सबके लिए अलग अलग उसूल है। तुम चुप करके नहीं बैठ सकती? मुझे जरा ये बताओ कि अम्मा ने तुम्हें कितने पैसे दे दिए थे जो तुम इतने महंगे कपड़े उठा कर ले आई हो? वो अम्मी आप एक ही बात के पीछे पड़ जाती हैं, दादू ने मुझे अच्छे खासे पैसे दिए थे, आप बिलावजह टेंशन ले रही हैं। अम्मी आपसे झूठ बोल रही है, इसने भी पैसे मिलाए होंगे, कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है इसे ताबा से, वहां पर कोई सेल नहीं लगी हुई थी,
हाँ, कोई सेल नहीं लगी हुई थी वहाँ। किसी का ख्याल रखना बुरी बात है क्या? मैं एक बात तुम्हें अच्छी तरह समझा दूं कि मुझे एक आंख नहीं भाती वो लड़की। मम्मी आपको फजूल की चिड़ है उससे। इतनी अच्छी, इतनी सीधी सादी लड़की है वो। तुम ना ऐसी मासूम शक्ल वाली लड़कियों को अभी जानती नहीं हो, इसी शक्ल का फायदा उठाती है। मना थोड़ी किया था उसे कपड़े दिलाने से, लेकिन इतने महंगे सूट दिलाने की क्या जरूरत थी? दिला देती कोई आम से सस्ते सूट। तुमने अपने लिए सस्ते से कपड़े लिए थे। तुम उसका मुकाबला मुझसे कर रही हो? मीना कुछ शर्म कर लो। तुम अपनी बहन का मवाजना एक ऐसी लड़की से कर रही हो जिसके ना हमें घर का पता है, ना ये मालूम है कि वो किस खानदान से। तौबा। ना पता उसके घर और खानदान का, मगर उसके तौर तरीके बताते हैं कि वो हमारी तरह एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। हमारी तरह? अच्छा बस, बहुत कर ली तुमने उसकी तरफदारी, अब और कुछ भी है तो? आप दोनों की बातें सुनने से अच्छा है कि मैं अपने कमरे में जाकर सो जाऊं। दिन ब दिन बदतमीज होती चली जा रही, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाती इसको ताबा। सुनो, तुमने किसी को बताया तो नहीं कि मैंने तुम्हें ताबा के कपड़ों के लिए पैसे दिए थे? तौबा करें जुहैर भाई, किसी को बताकर मुझे मरना था क्या? और वो ताबा, अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे, वो आपके पैसों की दी हुई चीज कभी ना लेती। पता है मुझे। हैं? आपको कैसे पता? ऑब्जर्वेशन, मेरी ऑब्जर्वेशन काफी अच्छी है, देखा नहीं उसे कितनी रिजर्व और सीरियस रहती है। हाँ ये तो है, बहुत संजीदा और रिजर्व बनती है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो एक बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है। तुम्हें कैसे कह सकती हो? उसके तौर तरीकों से, आपने देखा नहीं उसकी नजर, उसकी नियत, कुछ भी खराब नहीं है। तो इतने दिनों के बाद तुम्हें मेरी हालत नजर आ ही गई, मेरी हालत इजार। मैं ये कपड़े नहीं लूंगी, अब मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुमने मेरे बारे में सोचा, तुम्हारा शुक्रिया, मगर अगर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आजकल वो आपके साथ वॉक पे नहीं आ रही? कौन? ताबा? उसी का पूछ रहा हूँ, वही आपकी मंजूर नजर है आजकल। हम बड़ी अच्छी बच्ची है वो, हालात चाहे कुछ भी हो, इज्जत नफ्स को उसने बहुत संभाल के रखा है। हाँ काफी बुर्दबार सी तो है। हाँ बेटा, खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं, चाहे कुछ भी हालात हो लेकिन खुददारी को झुकने नहीं देते। आपने भी पूछा नहीं उससे उसके बारे में? अरे बहुत पूछा, टाल जाती है। फिर आपकी कैसी दोस्त हुई वो? दोस्त तो कुछ नहीं छुपाते कि उसमें से। लाख दोस्त सही, लेकिन उम्र का भी तो फर्क देखो। मुझे तो लगता है कि कोई बात है ऐसी जो मुझे बताना नहीं चाह रही। हो सकता है कोई बात ही ना। तुम कैसे कह सकते हो? ऐसे ही कह रहे हो। मैं सोच रही हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी कर दूँ। शादी? हाँ बेटा, जवान लड़की है, घर में किसी और को तो दिलचस्पी है नहीं उससे। मेरी आंख बंद हो गई तो कौन ख्याल रखेगा उसका? तफाक करने किस चक्कर में पड़ रही हैं आप? बेटा बड़े सवाब का काम है किसी बेवा का निकाह करवाना, अब वो हमारी जिम्मेदारी है। ना उसके वालदैन है ना उसका शौहर है, अकेले जिंदगी तो नहीं गुजार सकती ना। मैं सोच रही हूँ आज ही खालिद से बात करूँ और ताबा से भी बात करूं। वापस चले? अभी 10 मिनट हुए हैं आए हुए। पता नहीं थकन सी हो रही है, चलो ना वापस। चल।
चलो तुम जल्दी से फ्रेश अप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। चाय पियोगे ना? नहीं दादा। अगर तुम मेरे हो जाते तो किसी का क्या बिगड़ जाता? वो नताशा, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता जुहेर। मैं तुम्हारे साथ उसे नहीं देख सकती। मैं कैसे ये सब बर्दाश्त करूं? कैसे? ताबा, आप आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारी बेचैनी देखने के लिए आ गया। देखना चाहता था कि मेरे बगैर भी तुम खुश तो नहीं हो। ऐसी कोई बात नहीं है। रुक जाओ ताबा, प्लीज मुझे जाने दो। मेरी तस्वीर से बातें कर रही थी ना? जी नहीं, जो कपड़े आपने मुझे दिलवाए थे वो वापस करने आई हूं। फिर क्यों? क्योंकि मुझे उनकी जरूरत नहीं है। जरूरत तो तुम मेरी भी नहीं है ताबा। इनको तो रख लो, कम से कम ये शिकायत नहीं करेंगे। तुम कहो तो अपनी तस्वीर उतार के तुम्हें दे दो, कम से कम तुम उसको तो देखोगे, उससे तो बात करोगे। मैं ना सही, मेरी तस्वीर ही सही। क्या अल्लाह, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? रहम कर मेरे हाल पर। अगर ये छत भी मुझसे छिन गई तो मैं कहां जाऊंगी? मुझे उसके कमरे में नहीं जाना चाहिए था। मैं क्यों बेहतियाती कर जाती हूं? या अल्लाह पाक, मुझ पर रहम कर दे। मैं मजीद ख्वार नहीं होना चाहती, थक गई हूं बहुत। मैं बहुत अकेली हूं, बहुत अकेली। तुम समझती क्या हो खुद को? मैं इतना कुछ होने के बाद अपने ताल्लुक और रिश्ते को निभाना चाहता हूं, सब कुछ फिर से जोड़ना चाहता हूं। मेरे लिए तुम आज भी वही पुरानी वाली ताबा हो जो मुझसे मोहब्बत करती थी। क्या हुआ जो तुम वो नहीं रही? मैं तो वही हूं ना, तुम बदल गई। देखिए, मेरे अंदर कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन अब मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो। तुम भी गुजरो उस तकलीफ से जिससे मैं गुजर रहा हूं, फिर तुम्हें एहसास होगा। दादो, आप बिजी तो नहीं है? नहीं बेटा, तुम कहो। बिल्कुल मसरूफ नहीं।
आपसे काम करवाना था। तुम्हारी दादो है किस लिए? मैं शादी करना चाहता हूँ दादी, जल्दी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किससे? क्या मतलब किससे दादो? जिसके साथ मंगनी होने वाली है उसी से। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मैं सोच रहा था दादो मंगनी करके फजूल में वक्त जाया होता है। मंगनी क्या होती है? एक अग्रीमेंट ही तो होता है, और अग्रीमेंट तो कभी भी खत्म हो सकता है। तुम क्या कह रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़े दादो, परेशान मत हो। बस अम्मी से कहने कि मंगनी की तैयारियों की जगह बेहतर है कि शादी की तैयारी करें। तो ये बात तो तुम खुद भी कर सकते हो, उसको भला क्या इतराज होगा? यानी आप नहीं कहेंगे? अच्छा कह दूंगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। थैंक यू। पता नहीं क्या हो गया है, कहां तो नताशा की शक्ल देखना नहीं चाहता था, और कहां ये डायरेक्ट शादी की फरमाइश। बाजी, बेहतर यही है कि आप जोहर से एक दफा दोबारा पूछ लें, कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐन मौके पर इनकार करते। क्या हो गया नाइमा तुम्हें? अब एक बार तो उसने हाँ कह दी, बार बार उससे क्या पूछना? अब तो मैं मंगनी की तैयारी करनी चाहिए, क्यों भाई साहब? हाँ, कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन सारे इंतजाम जोहर और शहरयार नहीं करने हैं, बस आप डेट बता दें। हाँ ये बात तो है, मैं सोच रही थी कि अरे अम्मा जान, आप तो बड़े अच्छे मौके पर आ गई। हम लोग सोच रहे थे कि जोहर से एक बार फिर पूछ लें। भाई वो जोहर ने तो मंगनी से इनकार कर दिया। क्या? क्या अम्मा ये क्या कह रही हैं आप? देख लिया बाजी आपने, इसी बात का डर था मुझे। ये लड़का मुसलसल मेरी बेटी की ही बेइज्जती नहीं करता, मेरी भी इंसल्ट करता है। अरे ये क्या इनकार करेगा, मैं खुद शादी से इनकार करती हूँ। नाइमा रुको, तुम भी हद करती हो, पूरी बात तो सुन लो पहले। बोलिए अम्मा, क्या बोलना चाहती हैं आप? वो कह रहा है कि मंगनी नहीं, वो डायरेक्ट शादी करेगा। अरे तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो ये लड़की बगैर मनहूसियत फैलाए कर ले। कोई बात नहीं नाइमा, कांच का टूटना अच्छा होता है। अम्मा आप ये बातें कर रही हैं? आप ही हमेशा हमें सिखाती हैं कि वहम परस्ती बुरी बात है, कमाल है। अरे भाई कोई दादो की बात भी तो सुन ले। माँ आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। जाहिर है, पूरी बात नहीं सुनोगी तो जान तो निकलेगी। बोलिए। अच्छा छोड़े ना, पहले बैठे तो सही ना, बैठो। अच्छा भाई साहिबजादे हैं कहाँ, बुलाओ ना उसे। पता नहीं। ये आ गया। सुहेर तुम तो बहुत तेज निकले, इतना बड़ा फैसला कर लिया मुझे नहीं बताया। अरे भाई हम जो कुछ सुन रहे हैं वो सही है जी। आ जाओ बेटा बैठो। अरे भाई ये अचानक फैसला कैसे कर लिया? शादी तो करनी थी ना, बस। जीता रहे मेरा बच्चा। क्या बात है बाजी, आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। एक तो आप छुपाती बहुत है, और दूसरा अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। जब दूसरों के ख्याल की आदत हो तो खुद कोई कैसे ख्याल रखे। खैर मैं तो लावारिस हूँ बाजी, इसीलिए यहाँ पड़ी हूँ। मगर आप, क्या आपका भी कोई नहीं? माँ बाप ना सही तो कोई रिश्तेदार ही होगा। नहीं सकीना, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। तभी, लेकिन आप तो किसी अच्छे खानदान की पढ़ी लिखी लगती हो। बस ऐसी थोड़ी स्टडी की है। अच्छा
लगता तो नहीं है, आप तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती हैं जी, अक्सर बातें करते सुना है हमने आपको। आप ऐसा करें, स्कूल ज्वाइन कर लें, यहाँ आपको हॉस्टल में रहने का इंतज़ाम भी हो जाएगा। क्यों, मेरे यहाँ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अरे नहीं नहीं बाजी, कैसी बातें कर रही हैं, आप तो बहुत अच्छी हैं। लेकिन जब आप इस तरह यहाँ काम करती हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता, तुम भी तो यहाँ काम करती हो। अरे बाजी हमारी बात और है, ये तो हमारा खानदानी काम है। मेरे माँ बाप इस घर की खिदमत करते दुनिया से चले गए और अब ये मेरे जिम्मे, आप मेरी तरह थोड़ी ना है। दादू को तुम्हारी शादी की फिक्र करनी चाहिए, मैं कहूंगी उनसे कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखे। चाय बना दो। तू बढ़ा कृष्णगी।